दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे ज़्विगेटो के चौथे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही जानेंगे इस फिल्म के अब तक के टोटल इंडिया नेट ग्रॉस वर्सेस और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस फिल्म में कपिल शर्मा लीड रोल में नजर आए और इस फिल्म को नंदिता दास ने डायरेक्ट किया। इस फिल्म को इंडिया में बहुत ही कम स्क्रीन्स में रिलीज किया गया। इस फिल्म को इंडिया में लगभग 500 स्क्रीन्स के साथ रिलीज किया गया। इस फिल्म का कंटेंट भी वैसा नहीं है जो बहुत लोगों को पसंद आए। ऐसी फिल्में अक्सर OTT में रिलीज होती है, लेकिन ये फिल्म थिएटर में रिलीज हुई है, उसके बावजूद फिल्म ठीक ठाक कलेक्शन कर रही है। इस फिल्म ने अपने पहले दिन में इंडिया में 45 लाख का नेट कलेक्शन किया था, तो दूसरे दिन में थोड़ा सा ग्रोथ करते हुए लगभग 63 लाख का नेट कलेक्शन किया था और अपने तीसरे दिन में यानी रविवार के दिन में लगभग 80 लाख का नेट कलेक्शन किया। और इसी के साथ इस फिल्म के तीन दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 1,88,00,000 हो चुका है, तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 2,60,00,000 हो चुका है और टोटल ओवरसीज कलेक्शन लगभग 32 लाख हो चुका है। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के तीन दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 2,92,00,000 हो चुका है। दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के चौथे दिन के कलेक्शन की, तो ये फिल्म अपने चौथे दिन में इंडिया में लगभग 55 लाख का नेट कलेक्शन करने वाली है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट लगभग 13 करोड़ है। इस फिल्म का हिट हो पाना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल दिख रहा है, लेकिन हो सकता है फिल्म धीरे धीरे करके अपना बजट रिकवर कर ले। तो दोस्तों अगर आपने फिल्म देख लिया तो आपको फिल्म कैसी लगी और आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसे ही बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।